नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं अंकिता। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेजस्वी यादव का धरना, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल ने पहुंचकर दिया समर्थन। जीतन राम मांझी, शरद यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा रहे मौजूद। कैंडल मार्च कर पीड़ितों को न्याय देने की मांग। जंतर मंतर पर राजद के धरना में शामिल हुए दिल्ली के सीएम, बोले इसी जंतर मंतर से हुआ था निर्भया कांड का विरोध। 3 महीने में जांच पूरी कर दोषियों को फांसी दे बिहार सरकार, एक बार नहीं 40 बार हिलाना होगा सिंहासन। तेजस्वी के दिल्ली में धरना देने पर सियासत तेज, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कसा तंज, कहा चेहरा चमकाने के लिए तेजस्वी दे रहे धरना, मुजफ्फरपुर मामले में सरकार कर रही कार्रवाई। दिल्ली महिला आयोग ने लिखा सीएम नीतीश को पत्र, मुजफ्फरपुर की घटना ने देश को किया शर्मसार, पूछा लड़कियों के हित में क्या कर रही सरकार, आयोग ने सरकार से की उचित कार्रवाई की मांग। जन अधिकार पार्टी ने किया राजभवन मार्च, मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की लाठीचार्ज, पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ने का आरोप, मुजफ्फरपुर मामले में कार्रवाई की कर रहे थे मांग। पटना में आज फूट फूट कर रोए पप्पू यादव, कहा मुजफ्फरपुर मामले में बंद हो राजनीति, इतनी बड़ी घटना के बाद भी चुप है पूरा देश, सुप्रीम कोर्ट से की जांच की मॉनिटरिंग की मांग। आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा रिजर्वेशन को कोई ताकत नहीं कर सकती खत्म। पटना में SC ST उद्यमी योजना के दौरान कहा किसी ने की ऐसी कोशिश तो देंगे हर कुर्बानी। लुटेरे निकले पटना पुलिस में तैनात 4 सिपाही, खाकी के वेश में करते थे लोगों से लूटपाट, गुजरात के कारोबारी से की थी 1 किलो सोने की लूट, पहचान होते ही हुए अंडरग्राउंड, तलाश में जुटी पुलिस। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, आज से 8 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बारिश के कारण तापमान में होगी गिरावट। पटना पुलिस में किया गया भारी फेरबदल, एक साथ 10 थानेदार हुए इधर से उधर, कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर किया गया बदलाव, कई थानेदारों को दी गई नई जिम्मेदारी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां, आप बने रहिए livecities.in के साथ। नमस्कार।